हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो लेटेस्ट एडिशन की आप लोगों के पास आरडी शर्मा की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है रैशनल नंबर्स, तो उसका आज मैं आपको एक एग्जांपल कराने वाली हूँ। यहाँ एग्जांपल नंबर 6 है, ये पेज नंबर 1.17 पे। तो इस एग्जाम्पल में आपसे क्या कह रहे हैं, वट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 सो एज टू गेट 5/6। पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहे इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर ये आ जाए, तो वो आपको निकालना है ना। चलो लेट कर लेते हैं, यहाँ लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये माना कि एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं -3/4 में से एक्स को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर 5/6 आएगा, है ना। अब मुझे इस एक्स की ही वैल्यू निकालनी, तो मैंने क्या किया, इस एक्स को मैं राइट साइड पे ले गई और 5/6 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आई, साइन चेंज हो गए, ठीक है। बेस सेम किया तो 4 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 12 आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन नंबर 12 है। 4 की टेबल में 12 3 पे आता है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 3 जो 9, माइनस का साइन ऐसे ही है। 6 की टेबल में 12 2 पे आता है, 2 5 जो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब -9 और -10 -19 अपॉन में 12 ऐसी है, एक्स ऐसी है, इसका मतलब आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, -19/12 अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर ये आ जाएगा। तो जब भी बोले ना कि कुछ सब्ट्रैक्ट करो या कुछ ऐड करो तो उसे एक्स मान लो और उसके बाद उस एक्स की ही वैल्यू निकाल लो जैसा क्वेश्चन में दिया गया, उस अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर लो, क्लियर। तो इस पेज पे एक यही एग्जांपल था, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इस एग्जाम्पल में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।